हेलो हाय गाइस, मैं गुड मॉर्निंग ऑल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, और अच्छा रहना भी बहुत अच्छी बात है। तो और कैसे हैं आप सब? आज मैं बहुत जल्दी उठी थी क्योंकि आज बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी सुबह में, और बारिश भी एक दो बूंद आई थी, तो हमने बहुत जल्दी उठ गए थे। बहुत मज़ा आया था, और हमने आज रात को छत पे ही सोए थे क्योंकि पूरी रात हवा चल रही थी, तो इसलिए बच्चे ने बोले चलो मम्मी ऊपर ही सोते हैं हम लोग, तो काफ़ी मज़ा आ गया था। और फिर हम सुबह जल्दी उठ गए थे, बहुत जल्दी नींद खुल गई थी छत पे। फिर उठे हमने सुबह में, थोड़ा बहुत फ्रेश हुए, और आज हमने चाय की जगह, बच्चों ने बोले मम्मी बनाना शेक बनाओ, फिर हमने बनाना शेक बनाए, सब ने वही पी लिए और मैंने भी ले ली। और मैं आप लोगों से पूछती हूँ जो आप लोग भी आइए पीजिए हमारे घर। तो और देखिए हमारे पीछे मंदिर है, आज तेज हवा की वजह से इसके वो पर्दा वगैरह जो है ना थोड़ा सा हट गया है, तो नहा के फ्रेश वगैरह होके मैं उसको सफाई करूँगी फिर, क्योंकि अभी फ्रेश नहाने रखी तो मैं छू नहीं सकती हूँ अभी, तो इसलिए सुबह सुबह ठंडी हवा चल रही है तो मुझे मन किया जो थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लूँ, और भी आगे आगे सब कुछ बताऊँगी। आप लोग सपोर्ट करते रहना। देखिए बाहर निकलने वाला कितनी धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है अभी, तो मुझे बहुत काम वगैरह भी करना है, काफ़ी काम पड़ा हुआ है। वैसे मैंने खाना वगैरह बनाई हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन पूरा भी सफाई वगैरह बाकी है। और जैसे जैसे मैं जो भी थोड़ा बहुत करती हूँ आप लोगों के साथ रहूँगी, और थोड़ा बहुत बताऊँगी कैसे क्या करना, क्योंकि पूरा ही काम पड़ा हुआ है अभी, बिस्तर वगैरह ऐसे किचन मतलब सब कुछ है। तो जैसे जैसे है मैंने अब बताऊँगी, अभी देख रहे हैं क्या हाल हो रखा मेरे बिस्तर। अभी मैं सफाई करूँगी थोड़ा बहुत, तो बताऊँगी आप लोगों को। बने रहे आप लोग हमारे साथ, और प्लीज़ आप लोग वीडियो भगा के मत देखा करिए यार, पूरा देखिए, फिर कितना मज़ा आता है देखने में। पूरा देखेंगे तो थोड़ा सा देखिए भगा दीजिए, तो प्लीज़ आप लोग भगाना मत, पूरा वीडियो देखा करिए। तो हमारा बिस्तर हो गया सफाई पूरा से अच्छे तरीके से, और देख सकते हैं कितना अच्छा से मैंने की। तो हो चुका है, और अब मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, सफाई करनी, अब किचन में घुस जाऊंगी करने के लिए। सबसे अच्छा पहले घर के बिस्तर साफ हो जाए ना, तो लगता है कि आधा काम खत्म हो गया है बिल्कुल। और मज़ा आता है व्लॉग बनाने में, थोड़ी थोड़ी बिल्कुल सीखी हूँ बनाना, और आप लोगों को प्यार मिलता रहेगा तो मैं और भी अच्छे अच्छे बनाऊंगी। थोड़ा बहुत यही सीख जाती हूँ देख देख के, सबके देखती हूँ ब्लॉग वगैरह तो सीखती हूँ। आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए, बहुत अच्छा लगता है। ओके तो मैंने खाने में बनाई हूँ दाल चावल पेठे की सब्जी, और आलू के चोखा बनाऊंगी, उबाल रखी हूँ। किस किस को आलू के चोखा पसंद है मुझे कमेंट करके बताइए। ये देखिए मैं आलू उबाल रखी हूँ, मिर्च डाल रखी, नमक प्याज सारे कुछ डाल रखी, अब इसको बनाऊंगी। मेरे दाल भी बन चुके हैं, ये देख सकते हैं आप, दाल भी बन गए हैं मेरे। तो आप लोग पसंद है तो हमारे घर आइए और खाना खाइए आके, जिन जिन जिनको दाल पसंद है और चावल, तो हमारे साथ आप लोग बने रहे, और अच्छे अच्छे कमेंट करके बताया करिए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और जो भी है सब करते ही रहिए, बहुत अच्छा लगेगा। अभी मैं न्यू हूँ, कोशिश करती हूँ बहुत अच्छा ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं आता है, पर आप लोग हैं ना मेरे साथ, आप लोगों के सपोर्ट मिलेगा तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। ओके तो भाई जल्दी जल्दी बर्तन साफ कर लेती हूँ, मुझे बर्तन भी साफ करना है और काम भी बहुत सारे हैं, तो इसलिए और मुझे स्माइल करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और किस किस को मेरी स्माइल ज़्यादा पसंद है कमेंट करके जरूर बताना, किस किस को मेरी स्माइल ज़्यादा पसंद है। ओके okay?
आप लोगों से सीखी हूँ रोटी बनाना। ज्यादा नहीं था, सिर्फ एक थाली और एक गिलास, बस और कुछ नहीं था। सुबह मैंने कर ली थी जल्दी जल्दी में, इसलिए पहले जो है ना मैं जल्दी जल्दी आलू का चोखा बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे अब सबको खाना भी तो देना है। सब अभी खाना खाएंगे, थोड़े मेरे ससुर जी की तबीयत खराब हुई तो उनको जाके जल्दी दे देती हूँ और उनको दवाई भी खिलाना है। ये आलू देखिए कैसे बना रही है। बहुत मजा आता है आप लोगों के साथ बने रहती हूँ तो मेरे भी ब्लॉग कैसे बनती है, क्या नहीं, कैसे है, कोई कमी है तो आप लोग प्लीज बताएं मेरे ब्लॉग में ऐसे कमी है ऐसे, या मैं अच्छा बनाती हूँ तो आप लोग बोलिए। जो भी है आपकी शुरुआत बहुत अच्छी है और मैं जैसे भी आता है मेहनत कर ही रही हूँ, मेहनत करने वाली भी कभी हार नहीं होती है। तो इसलिए मैं कुछ ज्यादा ही हंसती रहती, पर अच्छी बात है जिस घर में प्यार मोहब्बत हंसी सब कुछ है ना, उस घर में अगर आधी रोटी कम भी खाऊं ना और बच्चों के साथ सबके साथ खुश हूं तो लगता है पेट भर गया। बस ऐसी हूँ मैं तो, जैसी हूँ आप लोग भी सामने हूँ। प्लीज आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सपोर्ट करें मुझे, मैं कुछ आगे निकल सकूँ। और अकेले शूट करती हूँ ना, बच्चे भी पास में नहीं आते हैं क्योंकि बोलते हैं मम्मी मैं नहीं आऊँगा, और मेरे हस्बैंड तो दूर दूर तक है ही नहीं इसलिए, तो उनको तो पता भी नहीं है अभी ये सब चीज़ के बारे में। वो चले जाते हैं तब शूट करती हूँ, वो रोज चले जाते हैं, वेट करना पड़ता है कब जाएंगे तब जाके मैं शूट करूँगी ऐसे। और फिर वीडियो बना के जल्दी डालना भी पड़ता है ना, फिर वो शाम को आ जाते हैं तो डर लगता है कहीं वीडियो ना देख ले। आज वाले वीडियो बना के रखूँगी तो आज ही डालना पड़ता है उनके आने से पहले तक, जब वो आ जाएंगे तो कहीं देख लेंगे। तो इसलिए बस अपने बच्चों के साथ खुश रखती हूँ, सिंपल सी हूँ, घरेलू महिला हूँ, बस बच्चों को परिवार को सबको ध्यान देती हूँ। आगे आगे बने रहिए, मिलती हूँ और भी। हेलो, मैं दोबारा आ चुकी हूँ, मैं चाय बनाई हूँ पीने के लिए, क्योंकि सुबह मैंने बताई थी बनाना सीख ली थी तो आज मैं चाय नहीं पी थी, तो क्योंकि मैं सुबह उठ के सबसे पहले पूरा एक गिलास चाय पी थी, एक ही टाइम पी थी पर एक गिलास ही थी, तो आज नहीं गर्मा गर्म आलू को पीना है। आइए हमारे घर और पीजिए चाय भी हमारे साथ, बस मुझे आप लोग और आप लोगों के प्यार की जरूरत है, जो आप लोग ज़्यादा सपोर्ट करें। मैं शॉर्ट भी बहुत सारे डाली हूँ, ब्लॉग बनाने में ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, जो जाऊँ कहाँ जाऊँ कैसे बनाऊँ, ब्लॉग सब इधर उधर रहते हैं, तो अभी किचन में हूँ तो थोड़ी सी आवाज़ इधर उधर कम जा रही है, सॉरी गले में थोड़ी सी खराश हो रही है। तो मैं और भी काम कर लेती हूँ और फिर देखेंगे, बाद में मिलूंगी, कोशिश करूँगी जी। मैं इस ब्लॉग को यहीं पे रोक देती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम, हवा भी बहुत चल रही है, ठंडी ठंडी देख सकते हैं, धूप भी है बहुत ज़्यादा ही, देखिए कैसे धूप हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ जो यही स्टॉप कर देती हूँ ब्लॉग को, फिर और भी आगे कोशिश करूँगी बनाने की, कल भी बनाना है तो, और गर्मी भी लग रही है बहुत। मैं पंखा बंद करके ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि पंखे की आवाज़ की वजह से जो है ना तेज़ बोलना पड़ता है और बाहर आवाज़ आती है, तो सिर्फ सिंगल मैं हूँ और मेरे बच्चे जानते हैं बना रही हूँ ज़बरदस्ती होगी, तीसरा कोई नहीं जानता है, एक इतनी सी चींटी भी नहीं जानती है जो मैं ब्लॉग बना के डाल रही हूँ, क्योंकि गांव समाज इधर उधर सब कुछ आप लोगों को पता है जो मतलब कैसे होते हैं समाज, सब अच्छाइयाँ करूँगी ना मैं, अगर एक छोटी सी भी इतनी सी गलती हो जाएगा ना तो सब अच्छाइयाँ को भूल के
इतनी छोटी सी गलती को लोग पकड़ के बैठ जाते हैं और जीना ही दुर्लभ कर देते हैं। लेकिन चाहे छोटी सी अगर गलती भी कोई सा हो जाए ना, तो सब अच्छाइयों को भुलाना मत आप लोग कभी भी। और बस क्या बोलूँ, तो इसीलिए जो है ना पंखा बंद करके बनाना पड़ता है, कोई सुन न ले, क्योंकि लोग का बहुत मजाक उड़ाते हैं बहुत ज़्यादा ही, जो मतलब लोग बनाना चाहिए, तो इस वजह से अच्छा नहीं लगता है। और मैं नहीं चाहती हूँ मेरी वजह से घर में कोई दुखी हो, या खासकर मेरे हस्बैंड के ऊपर कोई भी बात आए जो आपकी वाइफ ऐसे कर रही है वैसे करे। कर तो कुछ नहीं रही हूँ, बस वो लोग बना रही हूँ, शौक है शॉर्ट बना रही हूँ। फिर भी कुछ इंसान की सोच ही है, तो मतलब उनकी सोच के तो हम बदल नहीं सकते हैं। कोई ना, आप लोग जो इतने बड़े बड़े दोस्त बन चुके हैं, इसके आप लोगों की सपोर्ट है ना, तो कोई कुछ नहीं फिर बोलेगा, क्योंकि आप लोग प्यार और सपोर्ट करेंगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। माता रानी साथ है हमारे, जय माता रानी। गर्मी लग रही है, पसीना चल रहा है ना, मैं पंखा वंखा सब कुछ बंद कर रखी थी इसलिए। और अभी बहुत काम है मुझे, मैं तो सारा कुछ नहीं दिखाऊंगी और सारा कुछ बताऊंगी भी नहीं, अगर बता दी तो आप लोग क्या देखेंगे, फिर मज़ा नहीं आएगा ना, सब कुछ मैं ही बता दूंगी, तो फिर आप लोग वेट ही खत्म हो जाएगा, इंतजार ही खत्म हो जाएगा जिसके बाद ये होने वाला है। और सोच सोच के बोलना पड़ता है क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। चलिए मैं ऐसा करती हूँ, नहीं होगा तो मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर देती हूँ, अगले वीडियो में मिलेंगे, फिर और भी अच्छा वीडियो बना के लाऊंगी। अगर आप लोग प्यार और सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और क्या बोलते हैं शेयर बेल आइकन का बटन दबा दे, ताकि नोटिफिकेशन वगैरह आप तक पहुँच जाए। थोड़ी सी बोलने में मिस्टेक हो जाती है तो बस इसलिए सॉरी। और बस ओके, तो मैं बंद कर देती हूँ नहीं तो ब्लॉग, ठीक है। और आप लोग बने रहना हमारे साथ हर ब्लॉग में हर वीडियो में, क्योंकि मैं डाल देती हूँ ज़्यादातर तो सुबह ही डालती हूँ और शाम को, इसलिए क्योंकि सुबह जल्दी उठ के और फटाक्षी डाल देती हूँ, कहीं वो देख लेंगे ना, तो इसलिए, या दिन भर शूट करके शाम को ही डालना पड़ता है, तो इसलिए। तो मेरे चैनल का नाम है बेबी ऑफिशियल चैनल से रख रखी हूँ, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहना, और इसी बढ़िया ब्लॉग लाऊंगी, तो लाइक सब्सक्राइब और जो भी होता है सब कुछ कर देना आप लोग, तो ओके बाय, मिलते हैं।